फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। अगले 1 नवंबर तक दिल्ली के कुछ हिस्सों में रहेगी पानी की कमी। पूर्वी दिल्ली की जनता ने कहा पहले से चली आ रही है पानी की दिक्कत। जी हाँ, हम बता दें कि 1 नवंबर तक दिल्ली के कुछ इलाकों में, जिसमें पूर्वी दिल्ली का प्रीति विहार, लक्ष्मी नगर, मयूर विहार, इसके अलावा साउथ ईस्ट दिल्ली का सरिता विहार, साउथ दिल्ली का मालवीय नगर और साउथ वेस्ट का बसंत विहार, बसंत कुंज, कुछ इलाकों में पानी की किल्लत रहेगी, क्योंकि जल बोर्ड की तरफ से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 2 हैं ऐसे प्लांट जिनमें जो दिक्कत आ रही थी उसकी सर्विस हो रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए पानी की किल्लत रहेगी। हमने प्रीत विहार की जनता से बात की, उनका कहना था कि जब पूर्वी दिल्ली का सबसे मेन पोस्ट इलाका प्रीत विहार है, जब यहाँ दिक्कत रहेगी तो छोटे मोटे जो इलाके हैं, जो झुग्गी बस्ती है, तो वहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि जो पैसे वाले हैं वो तो बाज़ार से खरीद सकते हैं, मगर जो मिडिल क्लास के हैं उनको दिक्कत काफ़ी होने वाली है। क्या कुछ कह रही है जनता, सुने कपिल सिंगल। कपिल जी, क्या दिक्कत आ रही है पानी की? पानी तो आ ही नहीं रहा, बहुत कम आता है पानी। जनरली सुबह जब खोलते हैं तो 1 घंटा आता है, शाम को 1 घंटा आता है, लेकिन अब जैसे कह रहे कि अब दीपावली का त्यौहार है, कि 1 नवंबर तक पानी नहीं आएगा तो अब बहुत परेशानी होने वाली है। तो हम प्रीत विहार में रहते हैं, प्रीत विहार जैसी कॉलोनी जो कि जमुना पार की जिसको कहते हैं, बहुत पोस्ट कॉलोनी में आती है, तो उसकी हालत है। तो देखो, जो आसपास के हमारे आसपास के नेबरिंग जो कॉलोनीज हैं, उन वो बेचारे कैसे करते हैं गुजारा। तो हम लोग तो फिर भी चलो बाज़ार से खरीद लेंगे, क्योंकि सब लोग सक्षम हैं यहाँ पे, लेकिन जो नहीं है उनका कैसे गुजारा होगा। ये सरकार को देखना चाहिए, या सरकार को कुछ ना कुछ इंतजाम करनी चाहिए कि जिससे कि उनको घर तक पानी मिल जाए। जो है सरकार की तरफ से कहना कि जो वाटर ट्रीट प्लांट उनकी मरम्मत हो रही है, जिसके पिक्चर में नहीं आएगा पानी, तो कितनी दिक्कत होने वाली है? नहीं नहीं, ये तो देखो अब त्यौहार का टाइम है, अब त्यौहारों पे ये सब चीज़ें क्यों करती हैं, क्यों पहले से तैयारी नहीं होती इन लोगों की? ये इंजीनियर्स लोग क्या करते रहते हैं, मतलब ये तीज त्यौहार पे जब जबकि पानी का ज़्यादा काम होता है, साफ सफाई होती है, उसी टाइम पे ये सब चीज़ें क्यों होती है? इसका जो है ना, मेरे ख्याल में इनकी जवाबदेही होनी चाहिए सबकी, जो है ना। मेरा नाम लॉयन गुलफाम है, मैं RW प्रेसिडेंट प्रीत विहार से हूँ। गुलफाम जी, क्या कहेंगे 1 तारीख तक पानी की शॉर्टेज? ये 1 तारीख की बात नहीं है, पिछले काफी दिनों से जो है पानी गंदा आ रहा है और उसके अंदर झाग वगैरह आ रहा है, और लोगों को इतनी समस्या हो गई है, पानी में स्मेल है, ना उस पानी से नहा सकते हैं, ना वो मतलब हेल्थ हैजर्ड है, इट्स अ हेल्थ हैजर्ड। तो इस पानी को लेकर जो है, जबकि आपको पता है जल ही जीवन है, और एक ये जल का जो है सबसे बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि जल अगर नहीं होगा तो आम साधारण लोगों का जो है जीवन जो है बहुत ही मुश्किल बन जाता है। तो अब दिवाली मौके पर है, कि कुछ भाइयों की दिवालियाँ भी, त्यौहार भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या दिक्कत है? और क्योंकि पूर्वी दिल्ली का दिल माना जाता है, जिस जगह हम खड़े हैं, जब बहुत से इलाके में पानी की दिक्कत है, तो आम कॉलोनी में क्या दिक्कत है? देखिए, आम कॉलोनी का तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन जो हमारा प्रीत विहार है, और खास तौर से आपको पता है कि दिवाली के ऊपर जो है घर मकान की साफ नहीं। देखिए, ये जो दिवाली का त्यौहार है, इस त्यौहार के ऊपर आम तौर से सभी घरों के अंदर जो है सफाई का, सुथराई का, ये सारे काम चलते हैं, और ऐसे मौके पर, और ये पहली बार नहीं हुआ है, आम तौर से ये पिछले 2-3 सालों से हो रहा है कि दिवाली के ऊपर ही पानी जो है पॉल्यूटेड आता है, गंदा आता है, और इतनी समस्या बन जाती है कि मतलब हम उसको बयान नहीं कर सकते आपके सामने। दिक्कत तो बहुत आएगी, क्योंकि त्योहारों का समय है, अभी तो हम लोग घर की सफाइयां कर रहे हैं, वो भी अभी पूरी नहीं हो पाई है, यहाँ पर मेहमानों का भी आना शुरू हो चुका है, बिना पानी के तो कोई भी कार्य पूर्ण हो ही नहीं सकता। अब कपड़े धोएंगे तो पानी चाहिए, रसोई में खाना बनाएंगे तो भी पानी चाहिए, सफाई करेंगे तो भी पानी चाहिए, मतलब पानी तो सबसे मूल जो एक जरूरत है घर की वो है, तो उसके बिना तो काम होना बहुत ही कठिन है। ये कार्य या तो कुछ त्योहारों से पहले या बाद में होना चाहिए था, या इसका कुछ पहले से हमें कुछ अंदेशा होता तो हम कुछ अपने पास कुछ भर के रखते, या हमें कुछ जल बोर्ड की तरफ से कुछ ऐसा प्रबंध किया जाए कि हमारी टंकियां एक टाइम भी एक बार फुल हो जाएं, तो हमें कार्य में दिक्कत नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ या तो प्रबंध होना चाहिए सरकार की तरफ से कि हमें पानी मिले भरपूर, एक ही बार मिले लेकिन टंकी हमारी फुल हो जाए, ताकि हमें किसी कार्य में दिक्कत ना आए। पानी की बहुत बड़ी समस्या है जी, पानी का बगैर तो एक मिनट भी काम नहीं चलता है।
पता नहीं है कैसे ये काम निपटेगा। और यहाँ तो पानी इतना ख़राब आता है, इतना ख़राब आता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सीवर का पानी हो। तो फिर कितनी दिक्कत और आने वाली है? दिक्कत अब आएगी जी, बड़ी भयंकर दिक्कत आने वाली है। कैसे करेंगे, हमें तो अभी सोच सोच के परेशान है घर के सब।